अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। एक दफ़ा फिर से अपने चैनल में आप सारे व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। कन्वेंशनल जो शेफ है रेफ्रिजरेटर में सैमसंग कंपनी का आपके लिए लेकर आए हैं। सैमसंग के हवाले से बेसिकली जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर क्लास सी में जब हम खड़े होते हैं तो क्लास सी में हमें सैमसंग आपको LEDs या मोबाइल के अंदर लीड करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब आप क्लास वन की बात करते हैं तो क्लास वन में एक रेफ्रिजरेटर तक जो इनके आइटम है, एयर कंडीशनर इनके होते हैं, DC इन्वर्टर की अगर हम बात करें, जूसर, ब्लेंडर, ग्राइंडर, चॉपर, श्रेडर, हर किस्म के ये होम अप्लायंसेस के जितने इनके आइटम होते हैं ये सारे मार्केट में प्रोवाइड करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये अपनी सर्विसेज को मार्केट में दे रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें सैमसंग की 20 क्यूबिक फीट का एक मॉडल नंबर 46K4060 इस वक्त डिस्प्ले के ऊपर ये अवेलेबल है, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है। इसके जो मेन कुछ स्पेक्स होते हैं वो प्राइस समेत मॉडल समेत हमने इसके ऊपर लगाए होते हैं। जैसे मेन इसका एक फ़ीचर ये है कि ये नो फ्रॉस्ट है, दूसरा ये है ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी के साथ है। चूँकि ट्विन कूलिंग प्लस की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी सैमसंग के मॉडल है सब के अंदर ये आपको, चाहे वो साइड बाई साइड है, चाहे फ्रेंच डोर है, चाहे जो बड़े साइज़ के इनके रेफ्रिजरेटर है या कन्वेंशनल शेप का जो इनका रेफ्रिजरेटर है, सब के अंदर ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी का ये अवेलेबल है। कन्वर्टेबल फ्रीज़र एंड फ्रिज है, इसको आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं कि आपको अगर फ्रीज़र चाहिए तो फ्रीज़र के तौर पर इसको यूज़ करें, रेफ्रिजरेटर सारे हिस्से को आपने बनाना है, आपको बर्फ़ नहीं चाहिए, फ्रीजिंग नहीं चाहिए, तो फिर आप अपने हिसाब से इसको कूलिंग पे कन्वर्ट करके रेफ्रिजरेटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। पावर फ्रीजिंग, पावर कूलिंग की टेक्नोलॉजी इसके अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर आपने रखना है, फजी के ऊपर आपने उसको चलाना है तो आपकी मर्ज़ी है, ऑटोमेटिकली मौसम के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से ये खुद ब खुद चलता है। 10 साल कंपनी वारंटी दे रही है जी कंप्रेसर के ऊपर, 1 साल कंपनी वारंटी दे रही है पार्ट्स के ऊपर। प्राइस की अगर हम बात करें तो ये इस वक्त 1,75,000 रुपये का ये डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ है। 175 अगर हम उसकी बात करें 175 का ये डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ है, इसको आप यहाँ पे भी इसको ख़रीद सकते हैं और इसके अलावा आप ऑनलाइन ऑर्डर करके इसको अपने घर भी मंगवा सकते हैं। अगर हम बात करें ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी की, तो ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी का बेसिक जो वो इनका है, मेन जो मकसद इनका है, आपने हायर में देखा होगा, बाकियों में देखा होगा, उनके अंदर सिंगल फैन लगा होता है। सिंगल फैन से ये होता है कि कूलिंग वो सिर्फ रेफ्रिजरेटर वाले हिस्से में होता है, कूलिंग इससे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है सारे रेफ्रिजरेटर के हर पोर्शन के अंदर, लेकिन इन्होंने फ्रीज़र वाले पोर्शन में भी रखा है, नीचे भी रखा है, इस वजह से इसको ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये क्लेम करते हैं कि जो आम रेफ्रिजरेटर जो कन्वेंशनल शेप का, इससे ये 2 टाइम लॉन्गर कूलिंग देता है, 2 टाइम लॉन्गर फ्रेशनेस देता है, इस हवाले से। रिमूवेबल गैसकेट्स तो ऑलरेडी इसके अंदर है। बोतल गार्ड की अगर आप बात करें तो ऊपर 2 है, नीचे 1 बोतल गार्ड है, 1 शेल्फ रखे हुए हैं कॉस्मेटिक्स या मेडिसिन के लिए अलग इन्होंने रखा हुआ है। नीचे अगर हम बात करें टेम्पर्ड ग्लास भी रखा हुआ है और जो स्लाइड वो है रैक है वो भी रखा हुआ है। नीचे वेजिटेबल का बहुत बड़ा बॉक्स है, 20 क्यूबिक फीट का है। मूवेबल आइस मेकर है, आप इसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। प्राइस आपको बता दिए, कीमत आपको बता दी है, इसके अलावा वारंटी गारंटी का आपको बता दिया है। ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, यहाँ पे आके डिस्प्ले के ऊपर भी इसको देख सकते हैं, इसकी स्नैप ले, हमें व्हाट्सअप कर दे, आपको घर ये पहुँचा देते हैं। थैंक यू।